एक बार की बात है, जबलपुर नामक गांव में सभी लोग मिलजुल कर खेती करते थे। वहीं उसी गांव में एक श्रापित खेत था। उस खेत पर जो कोई भी जाता था वो रातों रात गायब हो जाता। उसकी मौत एक रहस्य बन जाती। एक बार एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है, तभी उसे खेत के अंदर से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती है। जा रहे हो तुम? कहां जाओगे? लौट के वापस यहाँ आओगे? अरे ये कैसी आवाजें हैं? और ये गाना कौन गा रहा है? आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। तभी वो खेत बीच से जमीन चीरता हुआ दो हिस्सों में खुल जाता है और उसमें से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और उस आदमी को खेत के अंदर खींच के ले जाती है। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल मुझे अंदर ले जा रही है, ये मुझे मार डालेगी, कोई तो मुझे बचाओ चुड़ैल से। तुझे कोई नहीं बचाएगा, तेरी मौत भी रहस्य बन के रह जाएगी। और वो उसे अंदर खींच ले जाती है और उसे मार देती है। कुछ समय बाद वहाँ एक दंपत्ति खेती करने को आते हैं किसी दूसरे गांव से। उस व्यक्ति का नाम नकुल था और उसकी पत्नी का नाम माला था। वे गांव में एक खेत का टुकड़ा खरीदने के लिए जमींदार से मिलने जाते हैं। जमींदार जी, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, अब इतने में जो खेत मिल सके मुझे दे दो। अच्छा सौदा है, कर लेता हूँ। पैसे कम हैं तो क्या हुआ, वो खेत भी तो फालतू ही पड़ा है, उसे ही बेच देता हूँ। और सच्चाई से बेखबर नकुल कम पैसों में श्रापित खेत खरीद लेता है। एक दिन जब नकुल खेत में फसल उगाने की सोचकर अपने उसी खेत को खोदने गया, तभी उसके पैर में चोट लग गई और वो वापस अपने घर आ गया। तभी उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, अरे अरे अरे, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई जी? अरे वो खेत में काम करते समय कुल्हाड़ी से लग गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर देती हूँ। ठीक है, कर दो। और वो दोनों खाना पीना खा के सो जाते हैं। फिर अगले दिन ही नकुल फिर से अपने खेत पर काम करने जाता है। नकुल जैसे ही फिर से ट्रैक्टर से खेत जोतता, वैसे ही अचानक उसके ट्रैक्टर में आग लग जाती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। आ गए आप? पता नहीं ऐसा क्या है उस खेत में कि जब भी मैं उसमें काम करने जाता हूँ तो कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। ऐसा क्या है जी, साफ साफ बताओ तो मुझे। चलो हम दोनों किसी मंदिर के पुजारी से पूछते हैं, क्या पता ऐसा क्या है उस खेत में। वो दोनों मंदिर पहुँचते हैं और मंदिर के पंडित से, पंडित जी हमने इस गांव में एक खेत खरीदा है और उस खेत में जब भी मेरे पति काम करने जाते हैं कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और इस कारण से ही उस खेत में महीनों से फसल भी नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है वह खेत आपके लिए अशुभ है, जिस कारण से ही आपके साथ ये सब हो रहा है। तो आप कुछ बताइए ना पंडित जी। इस सब के बारे में बात तो तुम बड़े पुजारी जी से ही करना, वो आपको सब कुछ बता देंगे। अरे रे, लेकिन बड़े पुजारी जी हैं कहाँ और कब तक यहाँ आएंगे? वो अभी आने ही वाले हैं, क्योंकि उनके आने का टाइम हो गया है। ठीक है। तभी वो बड़ा पुजारी भी वहाँ आ जाता है, नकुल और उसकी पत्नी उसे देखकर। पुजारी जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप ही कुछ उपाय बताएं। जो खेत तुमने खरीदा है वो खेत कहाँ पर है? वो खेत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है और उस खेत के बीच में ही एक पीपल का पेड़ है। क्या? वो खेत तो तुम्हारे लिए बहुत अशुभ है, उस खेत में पीपल के पेड़ में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो लोगों को जमीन के अंदर खींच ले जाती है।
उसी के कारण तुम्हारा नुकसान हो रहा। चुड़ैल कैसे? वो खेत तुमने किससे खरीदा है उसे बुला कर लाओ। मैंने ये खेत इसी गांव के एक जमींदार से कम पैसों में खरीदा था और अब वो व्यक्ति शहर में है। तो उसे यहाँ पर तुम्हें लाना ही होगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमित है। तुम्हारे इस खेत की वजह से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। कौन है परेशान? ये जो नकुल है ये बहुत परेशान है। तुम्हारे खेत में एक चुड़ैल है, क्या तुम्हें पता था? नहीं नहीं, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। ठीक है ठीक है, लेकिन मुझे इस चुड़ैल के बारे में तो बताओ। इस खेत में कुछ वर्षों पहले एक औरत को जिंदा जला दिया था और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। तब से वो औरत चुड़ैल बन गई है और इस खेत में वहाँ पर काम करने वाले को हर बार ऐसे ही मारा है। क्या? कुछ साल पहले यहाँ पर एक मजदूर अपनी पत्नी के साथ इसी खेत में काम करता था। वे दोनों दिन रात मेहनत करते थे। तभी एक दिन जब वो अपने खेत पर काम करने जाता है तो वो चुड़ैल उसको खेत में नीचे खींच ले जाती है। वो बहुत चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे जमीन के अंदर खींच कर ले जा रही है। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और वो मर जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी पत्नी उस जमींदार के पास जाती है और बताती है, और जब कोई मजदूर उस खेत में काम करने जाता है तो वो उस मजदूर को ऐसे ही अपने अंदर खींच लेती है। ऐसे करके धीरे धीरे वो सबको परेशान करती है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रयास करे। कई बार प्रयास करने के बाद एक बार उसने चुड़ैल को वश में भी कर लिया था, लेकिन जब एक मजदूर ने रास्ते में पड़े मुखौटे को उठा के लाकर उसी पीपल के यहाँ उसी खेत में लगा दिया, उससे फिर से चुड़ैल जागृत हो गई। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्या था उस मुखौटे में? उस मुखौटे में एक बहुत भयंकर काला साया था जो उस मजदूर ने अपने खेत की जानवरों से रखवाली के लिए लगा दिया था, जिसके कारण उस मजदूर का बच्चा बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी पत्नी को भी उस काले साये ने जिंदा लाश बना दिया। ऐसा करके उस मजदूर को उस चुड़ैल ने बहुत परेशान किया। फिर क्या हुआ उस मजदूर और उसके परिवार का? जब उसके परिवार की ऐसे ही उस काले साये के कारण मौत हो गई, उसके बाद उस जमींदार ने वो खेत तुम्हें कम दामों पर दे दिया। उस जमींदार के लालच की वजह से कई निर्दोष बेगुनाहों को सजा भुगतनी पड़ी। नहीं नहीं नहीं, तो वो चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। नहीं नहीं, हमें नहीं मरना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें बचा लो पुजारी जी। इसके लिए तुम्हें उस खेत में जाकर उस चुड़ैल की आत्मा का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्योंकि वो खेत तुम्हारा ही है। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। ओम क्लीम भ्रीम चामुंडाय विच्चे भूताय नमः। ओम क्लीम भ्रीम चामुंडाय विच्चाय भूताय नमः। ये लो अग्नि, इसे ले जाकर उस चुड़ैल के ऊपर डाल, जिससे उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिर इस खेत पर से उस खेत से निकली चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ठीक है, जाता हूँ। अमित ने ऐसा ही कर उसमें वो अग्नि ले जाकर उसी जगह उस चुड़ैल के ऊपर बिना देर किए डाल दी। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और वो चुड़ैल चिल्लाती हुई भस्म हो जाती है और वो खेत उस चुड़ैल से आजाद हो जाता है।